जिस दोहरे हत्याकांड की तफ्तीश पुलिस कर रही थी, उस तफ्तीश के दूसरे आरोपी जाबिद को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद उसे पूछताछ की गई है। पूछताछ में जो कुछ भी उसने बताया है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताया है, उसके बारे में मैं आप लोगों को संक्षेप में अवगत कराना चाहता हूं। उसका ये कहना है कि दोनों भाई एक बार्बर शॉप पे वहीं काम करते थे जो पीड़ित परिवार के घर के बिल्कुल सामने है। वहां करीब 4-5 सालों से काम करते थे और जो भाई था उसका साजिद, उसका पीड़ित परिवार से वाकिफ भी थी, उसके यहां उनका आना जाना भी था। घटना के दिन की बात उसने बताई है कि वो लोग जैसे रूटीन में हर दिन वो 8-8:30 के आसपास अपने गांव से चल करके मोटरसाइकिल से आते थे। वो दोनों आए और उस दिन उनका भाई थोड़ा गुमसुम भी था, साजिद की बात कह रहा हूं। जावेद ने अपना काम नॉर्मल तरीके से शुरू किया, उसने कई लोगों की शेविंग भी की, बाल भी काटे। 10:30 के आसपास जो साजिद था उसने कहा कि उसे कुछ दिक्कत आ रही है, वो किसी डॉक्टर के यहां जाने की बात करके गया और करीब 1:30 के आसपास वापस आया। वापस आने के बाद उसने कहा कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। यहां पे मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि पूछताछ में यह भी तथ्य निकल के आए हैं कि साजिद बचपन से बहुत बीमार रहता था और उसके पिताजी ने उसको पीर और यहां जो छोटे सरकार और बड़े सरकार हैं वहां भी उसको काफी ले जाकर के उसको दिखाया। इनफैक्ट 10 साल की उम्र में जब वो काफी बीमार पड़ गया था और उसको वो ठीक नहीं हो रहा था तो उसके पिताजी ने वहां एक झोपड़ी डाल ली थी बड़े सरकार में और बच्चे को लेकर के वहां काफी समय तक रहे थे उसको ठीक करने के लिए। किस तरह की बीमारी थी इसके बारे में अभी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन ये अवश्य बताया गया है कि वो जब उसको इस तरह की दिक्कत आती थी तो काफी अग्रेसिव हो जाता था और उस समय वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहता था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो और इस इमोशनल अपहीवल के टाइम पे उसने ये भी बताया है कि उसके भाई ने कि एक दो बार उसने अपने आप को डैमेज करने की भी कोशिश की। एक बार उसने चूहे मारने की दवा भी खा ली थी जिसका आलापुर में एक डॉक्टर साहब के यहां इलाज भी हुआ था और अक्सर वो उस तरीके से थोड़ा वायलेंट हो जाता था और घर वालों के नियंत्रण में नहीं आता था। उस दिन जो घटनाक्रम था उसके हिसाब से 1:30 बजे के आसपास उसने कहा कि मेरी तबीयत खराब लग रही है और मेरा मन नहीं लग रहा है, तो फिर ये दोनों वापस सखानू चले गए और थोड़ी देर के बाद ही उसके भाई ने कहा कि भाई तुम्हारी तबीयत खराब नहीं लग रही तो आज हम लोग कुछ चिकन वगैरह बना के खाते हैं। लेकिन भाई के इंसिस्टेंस पे दोनों फिर वापस चले आए शहर की तरफ। आने के बाद शाम को हमें एक ऐसा भी विटनेस मिला है जो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि इसकी तबीयत खराब थी और इसने ये कहा कि मुझे खून की उल्टी सी होने जैसा लग रहा है और मैं कहीं जा रहा हूं। इस बात की पुष्टि भी हुई है गवाह के बयान से। शाम को करीब 5:30 के आसपास ये थोड़ी देर के लिए बाहर गया साजिद। जब लौट के आया तो उसके हाथ में एक चाकू दिखाई पड़ा। हम लोगों ने उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया है जिसके हाथ से वो चाकू खरीदा गया था, उससे भी पूछताछ हो रही है। आने के बाद फिर घटना के समय दोनों इसने जब पूछा कि भाई तुमने ये चाकू क्यों खरीदा है तो उसने कहा कि मैं रमजान के समय गोश्त वगैरह काटने का काम करूंगा इसलिए चाकू मैं खरीद के लाया हूं। उसके बाद दोनों इसने बताया कि मुझे किसी काम से पीड़ित विनोद के यहां जाना है, विनोद के घर के जाने के लिए। जब ये दोनों बाहर निकले तो विनोद के घर के अंदर चला गया और जाकर के उसने वहां घटनाक्रम को अंजाम दिया। जब इसने देखा कि वो नीचे से देखा कि वो खून से सने कपड़ों में वहां छत पर दिखाई पड़ा तो ये घबरा गया। वो नीचे आए और दोनों भाई वहां से जब भागने का प्रयास कर रहे थे तो पब्लिक के द्वारा उनको पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों वहां से मौका देख करके छूट के निकल गए। उसके आगे का घटनाक्रम मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। जावेद तो भाग ही गया था, साजिद भी भाग गया था। फिर थोड़ी देर के बाद पुलिस को जब सूचना मिली कि ब्लड स्टेन्ड कपड़ों में एक व्यक्ति शेखुपुर के जंगलों के आसपास दिखाई पड़ा है तो पुलिस ने वहां घेराबंदी की और घेराबंदी में जब वो अपराधी ने भागने का प्रयास किया, पुलिस पार्टी पर फायर किया जिसमें हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए, तो जवाबी फायर में उसे गोली लगी जिसको अस्पताल ले जाके उसका इलाज कराने का प्रयास किया गया, लेकिन जब तक वो अस्पताल पहुंचा उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता था। जो अभी पकड़ा गया है उसके से भी और पूछताछ की जा रही गहराई से और उसके द्वारा जो भी अन्य फैक्ट्स बताए गए हैं वो विवेचना का पार्ट है जिनके बारे में हम लोग अलग से तफ्तीश कर रहे हैं।
सर इंडिया में अकेले साजिद किया था कि जावेद भी गया था इसके साथ में घर के अंदर दोनों साथ गए थे। जावेद का ये कहना है, देखिए हमारे पास अभी मुलजिम का वर्जन है जिसकी अभी क्रॉस चेकिंग बाकी है, उसका कहना है कि साजिद अकेला गया था, मैं नीचे खड़ा था। आसपास के जो कुछ लोग हैं जिनसे पूछताछ की उनका भी ये कहना है कि जावेद वहां दिखाई पड़ा है। मोटिव के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है, एक बात तो ये निकल के आ रही है कि वो मानसिक रूप से थोड़ा परेशान था, अग्रेसिव नेचर का था, वायलेंट था, और ये भी बात समझ में आई है कि शादी भी उसकी बहुत दिक्कत में थी, चूंकि शादी उसकी अभी से 3-4 साल पहले हुई थी और कई कोशिशों के बावजूद भी उसकी वाइफ को बच्चा नहीं हो पा रहा था। एक तो स्टिल बॉर्न बेबी हो गया था और 2-3 बच्चे उसके पेट में ही खराब हो गए थे, ये एक बात निकल के आई है, और उसकी वजह से बहुत मानसिक रूप से वो परेशान भी रहता था। इस लाइन पे भी हम लोग अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं। तंत्र मंत्र एक वजह हो सकती है सत्याग्रहण के पीछे? देखिए इस कंजेक्चर पे अभी टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी फैक्ट्स हमारे पास अभी आए हैं इस पूछताछ से, उन सारे फैक्ट्स को एग्जामिन किया जा रहा है और उनको जो भी उसमें सब्सटेंशियल फैक्ट निकल के आएंगे वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेंगे। चूंकि इनके यहां वाकफियत थी ऐसा लगता है, उसका प्रॉक्सिमिटी थी और आना जाना भी था, उनके 2 बच्चे भी थे। अब इन सारे बिंदुओं पर हम लोग अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं और ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी कुछ और चीजें की भी जानकारी मिलने की संभावना है जिसपे हम अपनी अग्रिम कार्रवाई करें। दोनों वहां साथ में गए थे और कॉमन इंटेंट था और भागने में भी दोनों साथी थे। उसका कहना है, अभी तक उसने कहा है कि साहब जब वो छुरी लेके आया था तो उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो हत्या करने जा रहा है, लेकिन उसके वायलेंट नेचर के बारे में उसको पता था और ये भी पता था कि जब वो घटना करने ऊपर गया, जब नीचे लौट के आया तो वो घटना करने आया था और दोनों साथी वहां से भाग गए। उसके विषय में अभी उसने कुछ नहीं बताया है, पूछताछ अभी जारी है और अभी और तथ्यों का पता लगाया। जावेद जब भागा है और जब उसे बरेली पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसने अपना एक वीडियो वायरल किया, उस वीडियो में साफ तौर पर कह रहा है कि वो घटनास्थल पर था ही नहीं, हुआ वहां पर गया नहीं, वो डर से भाग गया। लोगों ने उसे फोन किया कि अब तुम्हारे भाई ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके बाद वो भाग गया दिल्ली से, वो फिर बरेली आए तो उसका भी इनकाउंटर ना हो जाए, तो इस बात का डर था। ये वीडियो वायरल किया गया है जावेद की ओर से, ये वीडियो प्राप्त हुआ है जिसकी जांच हम लोग कर रहे हैं और आज उसने बरेली जनपद में एक तरीके से अपने आप को आत्मसमर्पित किया है, ये बात भी सही है। वहां से पुलिस उसको लाकर के पूछताछ कर रही थी, घटना के बारे में उसने जो कुछ भी बताया वो उसमें शामिल था या नहीं था ये उसका वर्जन है और जो कुछ भी हमारे पास फैक्ट्स आ रहे हैं हम उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। संगीता जो है जावेद से संपर्क कर रहा था वो कौन व्यक्ति? परिवार वाले कह रहे हैं कि पुलिस वहां पहुंची थी तभी दरवाजा खुला था, देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, घर वालों ने आप लोगों से क्या कहा है वो एक अलग बात है, हम लोगों ने उनसे जो अलग से बात की है, पूरी जांच पड़ताल की है, वो उस इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में जो कुछ भी हमने अपने फैक्ट्स इकट्ठा किए हैं हम उन सबकी जानकारी कर रहे हैं। दिखता है कि संगीता कह रही है कि मैं उससे जिंदगी में पहली बार मिली हूं, अभी जो जावेद कह रहे हैं कि वो उसके घर जाया करता था, रिलेशन कोर्डियल थे, आना जाना था, बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है, क्या संगीता से सवाल नहीं किया जाना चाहिए इस मामले? देखिए जैसा मैंने आपको बताया कॉन्ट्राडिक्शन अगर हैं तो उन सारे कॉन्ट्राडिक्शन की जांच की जाएगी, संगीता से भी बात की जाएगी, आज उनके घर के लोगों से भी डिटेल में हम लोग की वार्ता हुई है और सारे फैक्ट्स इकट्ठा किए जा रहे हैं, विवेचना अभी पूरी तरह से ओपन है, तो अभी इसमें जितने भी फैक्ट्स आएंगे सबको एग्जामिन किया जाएगा। आपने FIR मैं आपको FIR के बारे में बताना चाहूंगा कि FIR में इस बात का जिक्र नहीं है कि पुलिस को हैंडओवर किया गया, FIR में इस बात का जिक्र है कि वो भीड़ के हाथों से छूट के भागा। सर जो पहला स्टेटमेंट आया था IG साहब का उसमें उन्होंने जिक्र किया था एक आरोपी है, IG साहब का जो स्टेटमेंट आया था उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि एक ही आरोपी है, उसके पीछे लगातार प्रयास कर रही उसे पकड़ने का,
देखिए मौके पे जो स्टेटमेंट आया और मौके पे जो जानकारी हुई, आप जानते हैं कि विवेचना जैसे जैसे बढ़ती है उसमें नए फैक्ट सामने आते हैं। जो फैक्ट ये लिखा हुआ है बयान में, आप इस बात को मानते हैं? उसके पास से चाकू बरामद हुआ था, वो मर्डर करके जब गया था तमंचा उसके पास कहाँ था? आपके पास जो FIR है वो FIR हमारे पास भी, इट्स एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, और उसी डॉक्यूमेंट को मैं कोट कर रहा हूँ कि वो भीड़ के हाथों से निकल कर भागा, उसमें पुलिस का कोई जिक्र नहीं है कहीं पे। ये आसपास के बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं। कितनी देर तक साथ भागे थे सर? इसके विषय में जांच पड़ताल कर रही है सर। इस पूरे मामले में दो अहम सवाल है, उनके क्लियर जवाब दीजिए। पहला कि जावेद और साजिद उसके घर में क्यों गए, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, इसको इलाबोरेट कर दीजिए। और दूसरा क्या मोटिव था, जावेद को भी पता था या अचानक है ये मोटिव? और दोनों देखिए आपके दोनों सवाल जो है वो दोनों सवाल के बारे में ये बताना चाहूंगा कि साजिद इस प्री कंसीव्ड इंटेंट के साथ गया था कि उसको ये घटना करनी है। जावेद अभी इस बात को कह रहे हैं कि उनको ये पता नहीं था। हम उनकी बात को रिलाय नहीं कर रहे हैं, हम इसके बारे में अभी और जांच पड़ताल कर रहे हैं, हम उनसे पूछताछ करें, हमारे पास है इसमें कोई सच्चाई निकल गया है। एक मिनट में आपकी दूसरी बात कर रहा हूं सर्वेलांस, उसको स्टडी किया जा रहा है। देखिए सर्वेलांस की रिपोर्ट को यहां हम उजागर नहीं कर सकते, हम उसको स्टडी कर रहे हैं और जो अपराधियों के द्वारा जो जावेद के द्वारा जो बताया जा रहा है उसको हम कॉरोबरेट करा रहे उस बात से। अगर आपको बारी बारी पूछेंगे तो मैं बता पाऊंगा। देखिए मैंने आपको बताया, एक मिनट मैंने आपको बताया जो फैक्ट्स हमारे पास हैं, जितने भी फैक्ट्स मेरे पास निकल के आए हैं वो फैक्ट्स मैंने अभी आपको यहाँ बताए। बाकी जो फैक्ट्स मेरे पास हैं दे नीड एग्जामिनेशन, उनका जवाब मैं अभी इसी समय आपको दे पाने के लिए सक्षम नहीं हूँ। आई नीड सम मोर इन्वेस्टिगेशन, वो करने के बाद ही मैं आपके बाकी सवालों के जवाब दे पाऊंगा। अभी तक जो मेरे पास फैक्ट्स थे, अभी तक जो मेरे, आप लोग अभी सवाल और पूछेंगे और सवाल काफी पूछेंगे मैं जानता हूं, जो फैक्ट्स थे जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट था, मेरे ख्याल से आप लोग बारे साजिद ने जावेद को क्या बोला कि उनके यहाँ हम क्यों चल रहे हैं? जाने का क्या मोटिव बताया सर जावेद ने? कुछ उसने जाने का, अभी जो जावेद का जो स्टेटमेंट हमारे पास है उसके हिसाब से उसने जाने का कोई मोटिव नहीं बताया। उसने बोला हम वहां चलते हैं और जब वहां गया तो उसने ये घटना करते हुए उसको देखा। सर पांच हजार की दास्तान क्या है मानसिक स्थिति? अगर 5,000 की दास्तान के बारे में सवाल ये कि घटना छत पे हुई है, वो नीचे था छत से कहीं दिखता नहीं है कि नहीं छत नहीं, ये आपका कहना है छत से अगर कोई आदमी नीचे ओवरलुक करता है तो उसको दिखाई पड़ता है कि हाथ में चाकू था। फिर जब एनकाउंटर आपने किया उसके पास से पिस्टल बरामद किया गया है तो क्या वो पिस्टल रास्ते में खरीदा या किसने दिया? जब उसके पास पिस्टल था वो पिस्टल से हत्या कर सकता था, चाकू का इस्तेमाल क्यों किया? और ऐसा इस तरह के 14 बार मार किया, यानी उसके मन में नफरत था बच्चों के प्रति? और सर देखिए अब उसके दिमाग में क्या था कि जो आपके सवाल है, देखिए जो आपके सवाल आते हैं उन सवालों के जवाब मैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही दे पाऊंगा। अभी तक जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है मैंने आपको बता दिया, जावेद से पूछताछ अभी चल रही है, अभी और फैक्ट्स निकल के आएंगे। परिवार कह रहा है कि वो पूरे परिवार को मारने आया था, वो तीसरे बच्चे को भी मार देता, उसकी माँ संगीता को भी मार देता। सर जावेद कह रहे हैं कि उसने देखा ऊपर से उतरते हुए, वो खून से सना था, वहां से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसे नजर आ जाएगा, और उनकी माँ उनकी बहन दादी सब बाहर आ गई थी, तो जावेद का इंतजार कर रहा था कि वो नीचे आए। देखिए आपका वर्जन है जो नहीं, जावेद का वर्जन है मैंने आपको बताया, वो ऊपर से नीचे देख पाया नहीं देख पाया, नीचे से ऊपर देख पाता नहीं देख पाता, ये सब तो मौके पे सीन को रिक्रिएट करने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ बैठ के हम उसको नहीं बता सकते। जावेद क्यों नहीं पकड़ा जब जावेद बाहर? जैसा मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशन के सारे पहलू भी खुले हैं, जो बिंदु आप लोगों ने बताए हैं उनको भी देखा जाएगा। बच्चों की मौत हुई जैसा कि उनकी पत्नी ने बताया कि उनके बच्चे पैदा होते ही 1 साल पहले और 2 साल पहले बच्चे मरे, तो क्या इस एंगल को भी आप जांच कर रहे हैं? मैंने ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो आपने कहा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उसका मानसिक रूप से उद्वेलित हो जाना हर बात पे, उसका बचपन जो पीरों और छोटे सरकार
में काफी समय बीता और वहां पे, और वो बहुत डिवाउट टाइप का भी आदमी, उसके भाई ने बताया है कि वो अक्सर वहां जाकर के मत्था टेकता था, वहां पे जाकर के जो भी अपना उसको करना होता था पूजा अर्चना वो करता था। सर दिमागी स्थिति खराब थी, लेकिन फिर उसने सब बच्चों को ही क्यों चुना, माँ को क्यों नहीं चुना, काफी देर बैठा रहा जो उसके उसके उसका जो मेंटल स्टेट था, उसके बारे में जो उसके भाई ने बताया है उसको भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। अब तक जो बातें निकल के आई हैं, हमने उनके घर वालों से भी बात की है उसकी मेंटल स्टेट के बारे में, और ये सारी चीजें जो वो बता रहा है, ये दे आर ऑल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं जो उसके द्वारा फैक्ट सप्लाई किए गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जो कह रहा है बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया कि जो कुछ भी वो कह रहा है, या यहां तक कि पीड़ित के घर वाले भी जो कह रहे हैं, दे ऑल आर सब्जेक्ट टू एग्जामिनेशन। हम सारी बातों को सुनेंगे, उनकी जांच करेंगे, अपने इन्वेस्टिगेशन में उसको शामिल करेंगे, और उसके बाद ही अपने विश्लेषण करेंगे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी ऐसे किसी बाबा की डिटेल नहीं, अभी ऐसे किसी बाबा की, किसी स्पेसिफिक बाबा की डिटेल नहीं मिल पाई है। ये पता चला है कि वो तीन जगहों पे उसका समय ज्यादा जाता था, ये वो तीनों जगह यहीं पे हैं, छोटे सरकार, बड़े सरकार, और एक नवादा के पास एक और मजार है, जहां इन तीन जगहों को अक्सर फ्रिक्वेंट किया करता था। अभी तक ये बातें समझ आई, दो साल उसको यहाँ दुकान करे हो गए थे, किसी भी ग्राहक को उसने आहत नहीं किया, मानसिक स्थिति खराब थी, किसी ग्राहक का कान नहीं कटा, किसी ग्राहक का गला नहीं कटा, किसी की नाक नहीं कटी, तो ऐसी कैसी बात। जैसा कि मैंने आपको बताया, मानसिक स्थिति खराब थी, मैंने ये आपको नहीं कहा, मैंने कहा कि उसके घर वालों के द्वारा बताया गया है कि वो वायलेंट नेचर का आदमी था, उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। ये सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हम इसके बारे में जितना उसके द्वारा बताया गया वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कोई सब्जेक्टिव स्टेटमेंट आपको नहीं दे रहा हूँ जो उसकी मानसिक स्थिति खराब थी, हमें मान के चल रहा है। ये एक नया फैक्ट निकल के आया है, ये एक नया फैक्ट निकल के आएगा जिसको हम एग्जामिन कर रहे हैं। सीन का रिक्रिएट क्या है, स्पॉट पे सीन का रिक्रिएशन क्या होगा, उसको हम लोग बहुत जल्दी कर लेंगे। हम अपनी फॉरेंसिक टीम को बुला रहे हैं और बहुत जल्दी करेंगे। सीक्वेंस ऑफ क्राइम में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि संगीता ने कहा कि जावेद गेट पर खड़ा हुआ था और वो पैसे लेने गई, तो क्या जावेद ने ये 5,000 रूपए वाले मांगने की बात, क्योंकि दोनों गेट पर खड़े होंगे, कि उसने साजिद ने 5,000 मांगे, संगीता गई लेने या नहीं गई, या जावेद बच्चों को ऊपर लेकर के गया, क्या इस सीक्वेंस पर उसने कुछ बताया कि गेट पर खड़ा हुआ। इस विषय पर अभी तक उसने कुछ नहीं बताया है, उसका ये कहना है कि दोनों भाइयों में काम दोनों अपना करते थे, और कुछ बातें वो लोग शेयर करते थे, कुछ बातें शेयर नहीं भी करते थे। इसके बाद इस फैक्ट के बारे में उसने अभी तक कुछ नहीं बताया। उतर के दोनों बच्चों की हत्या करने के बाद जब साजिश उतरा है तो उसने बोला मैंने अपना काम और लगाया, क्या कुछ ये टारगेट था, साजिश थी, ये सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इसके बारे में पति का कहना है साजिद की कि जावेद बिल्कुल ठीक था, हमारे इंटरव्यू में उसने कहा है 4 साल शादी को हो गए थे, बहुत खुशी के साथ पूरे रहे थे, 8 दिन पहले बातचीत भी हुई थी, किसी भी तरह का कोई बीमारी या नर्वसनेस नहीं दिखा था, तो क्या आपकी उसकी पत्नी से भी बातचीत हुई है, क्या आपने उसकी पत्नी से बात करने के लिए भी एक टीम गई हुई है, उसकी पत्नी से भी पूछताछ की जा रही है। चाचा ने कंफर्म किया सर आपको कि वो बीमार है? सर जावेद का नाको कराया जाएगा सर, सीन भी रिक्रिएट कराया जाएगा, और अगर नार्को की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको भी कराया जाएगा। ये सारी बातें हाँ। दादी बच्चों की माँ, इन दोनों की जो स्टेटमेंट शुरुआत में जो मीडिया स्टेटमेंट है और उसके बाद जो FIR जो विनोद जी ने करवाई है, उसमें पैसों को लेकर जो जिक्र है वो बिल्कुल उल्टा है, कि पहले माँ की लगातार ये स्टेटमेंट थे कि उन्होंने पैसे दे दिए थे, वो पैसे लेकर सब से चला गया, और FIR में लिखा हुआ है कि वो पैसे लेने जब अंदर से बात गेट पर आई तब ये लोग जीने में खड़े हुए थे, खून से लगता दोनों, तो इनका जो इतना विरोधाभास इनके बयानों में है उसको लेकर परिवार से अभी तक आप लोगों ने पूछताछ की है कि इतना विरोधाभास क्यों है? परिवार के लोगों से अलग से पूछताछ की जाएगी, अभी थोड़ा वो पीड़ित पक्ष है और पुलिस भी अभी इन अभियुक्तों के पीछे भाग रही थी इनको गिरफ्तार करने के लिए, विवेचना के लिए। अब हमारे पास जो समय है उसमें हम परिवार के लोगों से भी पूछताछ करेंगे, जो विरोधाभासों की बात आप लोग कह रहे हैं उनके बारे में भी उनसे भी बातचीत की जाएगी, और FIR के एक पहलू को बहुत ध्यान से देखा जाएगा। उसकी लिखा पढ़ी अभी हम लोग कराएंगे, उसके बाद उसको पेश किया जाएगा। नया एंगल सामने आया, आसपास के लोगों से बात है, ये पता चला है कि एक महिला जो थी जिसको साजिद ने इनके घर पर रेंट पर दिलवाया था,
उसके बाद चूंकि उसी वजह से साजिद और जावेद का उस घर में आना जाना हुआ और उसके बाद विनोद ने उस महिला को अपने घर से निकाल दिया या रेंट से बाहर, क्या ये एक वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए ये फैक्ट्स जो आप लोग बता रहे हैं इनमें बहुत सारे फैक्ट्स अभी हम लोग के पास नहीं आए हैं, आप लोग के पास आए हैं, जो भी आप बता रहे हैं उन सारे बिंदुओं को हम लोग जांच करके और उसका अगर कोई तथ्य निकल के आता है तो फिर हम उस पर अपनी घटनाक्रम है। सर एक बार सिलसिले बात तरीके से सर आप बता दीजिए। वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो मैं आपको एक बार बता चुका हूँ, बाकी का प्रेस नोट आपके पास आ जाएगा। ये बात उसके भाई जावेद ने कही है, उसके चाचा ने भी इस बात की पुष्टि की। वायलेंट होता था जावेद को पता था और वो बीमार था उस दिन, वो कह रहा था उसके बावजूद जावेद उसको लेकर गया विनोद के पास, क्या वो दोनों गए? इसमें आपको कुछ कॉन्ट्रडिक्ट नहीं लग रहा है कि जब वो बीमार था डेढ़ बजे के? देखिए मैडम मुझे क्या लग रहा है ये मैटर नहीं करता, वो क्या कह रहा है ये मैटर करता है, ये मेरा कोई सब्जेक्टिव नहीं, आप समझिए ये मेरा कोई सब्जेक्टिव स्टेटमेंट इसमें नहीं है, मुझे क्या मैटर, ये मेरा मैटर नहीं, जो अक्यूज ने जो बताया है इट इज सब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं जो उसके द्वारा बताए गए हैं और उन फैक्ट्स का एग्जामिनेशन भी जरूरी है जिसके लिए हम लोगों को समय चाहिए। जो भी फैक्ट्स उसके द्वारा बताए गए हैं, जो मैं आपको पहले से बता रहा हूं, एक सेकंड मैं अपनी बात पूरी कर लूं, जो भी फैक्ट्स आप लोग बता रहे हैं या जो भी, एक सेकंड, जो आपके सारे सवालों का मेरे पास अब जो मैंने काफी आपसे बातें कर ली हैं और मैं आपको एक बात जो बताना चाहता हूं उसको कृपया आप लोग ध्यान सुन लें, जो भी फैक्ट्स हमारे पास निकलते हैं, जो भी हमारे पास मेरा ये कहना है कि हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं, कुछ फैक्ट्स मीडिया के आप लोगों ने हम लोग को दिए हैं, कुछ आसपास के लोगों से निकल के आ रही हैं बातें, घर वालों ने भी हमें कुछ बात बताई है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमारे पास FIR का है और अक्यूज से हमने बात की है, ये सारे फैक्ट्स जो निकल के आ रहे हैं, ये जो प्लेथोरा ऑफ फैक्ट्स हैं इनको हम सिलसिलेवार ढंग से बैठ करके अभी एग्जामिन करना हमारे लिए अभी जरूरी है। इसके अलावा जैसा आप लोगों ने कहा देयर इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस ऑल्सो, वो बातें फिर उनको उस तरीके से भी वेरीफाई किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन अभी ओपन है, हर तरीके से अभी विवेचना में छानबीन करके जो भी फैक्ट निकल के आएंगे, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि उन्हीं फैक्ट के आधार पर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। बाकी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं, उनमें से बहुत सारी बातों को हमने कुछ वेरीफाई कर लिया है, वो बातें सही नहीं पाई गई हैं, कुछ बातों पे एग्जामिनेशन अभी चालू है जिनके बारे में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभी हम बताना उचित नहीं समझते, वो बातें जब पुख्ता हो जाएंगी हम आपको जरूर उनके बारे में अप्राइज कराएंगे। सर प्राइमा फेसी अगर मैं बात करूं मोटिव की, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मानसिक रूप से चुके वो बीमार? अभी मोटिव के बारे में हम लोगों ने आपसे कुछ भी नहीं कहा है, FIR में जो मोटिव लिखाया गया है उस मोटिव पे भी आप लोगों ने, आपके बहुत सारे सवाल हैं, उसके बारे में हम अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं, आज एक पूछताछ में नया फैक्ट निकल के आया है उसके मानसिक स्थिति का, उसकी बीमारी का, और वो जो भी जहां पीर यहां जहां भी जाता था वो भी सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जिस डॉक्टर के यहां उसने इलाज कराया, जब वो उसने एक बार ये घटना बताई कि उसने जहर खा लिया था और एक डॉक्टर के यहां इलाज कराया था, अभी वो भी सब्जेक्ट टू एग्जामिनेशन है, तो बहुत सारी अभी ऐसे पहलू हैं सिचुएशन आगे जिनके बारे में समय से पहले अभी कुछ कहना उचित नहीं है, वी नीड सम टाइम। इसके बारे में पूछताछ की जाएगी, हत्या कराने के पीछे भी क्या मोटिव हो सकता है इसके बारे में भी उनके घर वालों से डिटेल में। सर आरआई के दौरान जावेद कहां छिपा था, किसके किसके पास गया था और कैसे बरेली तक पहुंचा? देखिए उसने सिर्फ ये बताया है कि घटना के बाद वो भाग करके सबसे पहले अपने ससुराल में गया, ससुराल के बाद वो दिल्ली चला गया और दिल्ली से फिर उसको किसी ने ये बताया कि भाई आप, चूंकि पुलिस का इतना दबाव है, इनाम भी उस पर हो चुका है, तो उसने फिर अपने आप को, जिसने भी उसको मशवरा दिया ये उसको उचित लगा कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूं, जनपद बदायूं में उसने अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं किया, बरेली जनपद में उसने बारादरी थाने की एक चौकी वहां उसने अपने आप को सरेंडर किया जहां से हमारी पुलिस उसको लेके आई। सर उसकी ये दुकान जहां पर काम करते थे क्या ये किराए पर थी दुकान, ये यहां पर सिर्फ किसी और दुकान पर काम करते थे या इनकी कुछ अपनी दुकानें हैं? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनकी दुकान के बाहर हिंदू देवी देवताओं की फोटो लगी हुई थी और हाथ में कलावा भी पहनते थे ये कई लोगों को बरगलाने के लिए। देखिए जैसा आपने, मैंने आपको बताया, आप जो कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने कहा है, तो जो भी लोगों ने कहा है हम सब उन बातों के एग्जामिनेशन कर रहे हैं और बिना उनको जांचे पड़ताल किए, बिना उनको तथ्यात्मक रूप से देखे इसमें कुछ भी कहना उचित नहीं। सर साजिद और जावेद के फादर का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इस तरीके की भी चर्चा है कि वो उनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड थे, वो वहां से यहां। देखिए हमारे जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो थाने का डॉक्यूमेंट है, उसमें उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन अन्य थानों से भी पता किया जा रहा है कि इसके पहले जहां वो रहते थे, कुछ इस तरह की भी बात निकल के आई कि जहां वो पहले रहते थे वहां भी, लेकिन वो उसी थाना क्षेत्र के दूसरे गांव में रहते थे और वो बात आज से करीब 35 साल पुरानी है।
तो थाने के रिकॉर्ड में कोई बातें कल के नहीं आई है, लेकिन बाकी रिकॉर्ड अभी हम और चेक करा रहे हैं और कोई बातें कल के आएगी तो आप लोगों को बताया जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया कई तरह के कॉन्ट्राडिक्शन है, तो इनके बारे में मैं जांच पड़ताल के बाद ही बता पाऊंगा। आपके पास परिवार का वर्जन है, हमारे पास मुलजिम का वर्जन है, इट नीड्स क्रॉस एग्जामिनेशन। एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है? शेखुपुरा के जंगल के पास है। सर एक छोटा सा क्लियर कर दीजिए, बहुत सारी कंफ्यूजन चल रहा है, मिसकंसेप्शन चल रहा है कि जब वो हत्या करी, बड़ा सा कंफ्यूजन नीचे जब वो आया उसके बाद सर वो चाकू लेकर आया, पुलिस के हाथ से वो भागा था, लोगों के बीच से वो भागा था, क्या पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई थी? और इनकाउंटर का जो पूरा सीन है वो सर एक बार प्लीज टाइम फ्रेम के साथ। देखिए बहुत डिटेल में तो मैं आपको जो बता चुका हूं, उसके अलावा मुझे इसमें सिर्फ यही ऐड करना है कि वो जब नीचे आया भीड़ ने उसको पकड़ने का प्रयास किया, वो भीड़ से निकल के भागा। इट इज अ पार्ट ऑफ द FIR। आपको लोगों ने क्या बताया है वो आप बता रहे हैं, हम उसको एग्जामिन करेंगे। उस समय पुलिस वहां नहीं थी। सर FIR में लिखा है कि पुलिस को सौंपा गया है। आपके पास अगर FIR है तो आप दिखा दें। आप पढ़ लीजिए उसके बाद सवाल करें। ये भी सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। सर जो चाकू है वो क्या सब्जी काटने वाला घरेलू चाकू है या स्पेशल पशु काटने? नहीं नहीं, वो चाकू है, वो जहां से लिया है उसने, मैंने आपको बताया उस व्यक्ति को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसे पूछताछ की जा रही है, वो कहां से लिया, कितने बजे खरीदा, ये फैक्ट्स हमारे पास है। पशु काटने वाला चाकू कौन सा चाकू है? सर एनकाउंटर चाकू है, धारदार हथियार है, अब उससे आप क्या क्या काट सकते हैं? अब ये तो सर एनकाउंटर का एक बार आप सीक्वेंस बता सकते हैं जब वो फरार हुआ, उसके बाद से देखिए नहीं, ये सब्जेक्ट उसके एनकाउंटर के बारे में एक मजिस्ट्रेटली इंक्वायरी चल रही है, वो मेरी रिक्वेस्ट पे ही चल रही है, उसके बारे में कुछ भी बताना वो उस इंक्वायरी को वायलेट करना होगा, उसके इंटीग्रिटी को वायलेट करना होगा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा। जो पहले रंजिश की बात हो रही थी कि आप कह रहे हैं कि मोटिव फिलहाल FIR के हिसाब से आप जांच कर रहे हैं, 5,000 रूपये या 10,000 रूपये जो भी है, पैसों के अलावा पिता से या मां से साजिद का कोई पर्सनल दुश्मनी या पर्सनल किसी भी तरह का कोई इश्यू? इस तरह की कोई बात उनके घर वालों ने किसी रंजिश की कोई बात नहीं बताई है। जावेद ने भी अभी इस तरह की बात नहीं बताई। इनके कॉल डिटेल में कुछ खुलासा हुआ? लास्ट कॉल डिटेल को अभी स्टडी किया जा रहा है। सर किसी से बात कर रहा था, ये जैसा मैंने आपको बताया कॉल डिटेल को हम स्टडी कर रहे हैं, अगर कोई ऐसी बात निकल के आई है तो उसको भी हम उस पर अपनी अग्नि इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जावेद से लगातार कौन कनेक्शन रहा, एनकाउंटर हुआ है, उसके बाद में वो भी उस पर भी तफ्तीश चल रही है। सर हमारा एक और आखिरी सवाल है, हम आखिरी सवाल करेंगे, मर्डर सीक्वेंस में सबसे इम्पोर्टेंट एक मोटिव था जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। हमारा सवाल यह है कि जब साजिद जावेद को अपने साथ लेकर के गया, दोनों गेट पर पहुंचे, मैं दोबारा इस चीज को थोड़ा एलोबोरेट करके पूछ रहा हूँ, जब दोनों वहां पर पहुंचे माँ ने दरवाजा खोला, क्या बातचीत हुई, क्या साजिद ने बचाया, और वो साजिद जब बच्चों को लेकर के ऊपर गया तो जावेद ने क्या देखा या सुना, और जब बच्चों के ऊपर हत्या हो रही थी और वो नीचे खड़ा हुआ था तो क्या चीख पुकार की आवाज उसने सुनी? देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एक मिनट होगा तो मैं नहीं। देखिए आप जो सवाल कर रहे हैं वो उन सारे सवालों के बारे में मुझे सिर्फ ये कहना है कि जावेद का वर्जन हमारे पास है, जावेद का जो कहना था वो हमने आपको बताया कि जावेद नीचे खड़ा था, साजिद ऊपर गया, उसने घटना की, नीचे लौट के आया और दोनों वहां से भागे। इस बीच के जो माइन्यूट डिटेल्स हैं जो आप पूछ रहे हैं, इनके बारे में जो भी विरोधाभास है उसके बारे में अभी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, घर वालों से भी बात कर रहे हैं, जावेद भी अभी हमारे पास है, उनसे भी बात हो रही है, और अन्य बाकी आसपास के जो लोग उनसे बात करके जो भी फैक्ट्स निकल के आएंगे उसमें हम अपनी अपनी कार्रवाई करेंगे। ये दोनों लोग नहीं, केवल इनके साथ में और लोग शामिल हैं। आपने कहा था आपका वर्जन जो है साजिद ऊपर, लेकिन उस केस का जो मेन एक्सक्यूज है जो बच्चा पीयूष, उसका कहना ये है जावेद ऊपर गया। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, बच्चे ने क्या कहा, आपके और लोगों ने क्या कहा, जो हमारे पास फैक्ट्स मैंने आपको बताया, हमारे पास फैक्ट्स है कि साजिद ऊपर गया, साजिद ने घटना की और साजिद के द्वारा ही घटना कारित की गई। क्या घटना के पीछे क्या कारण रहा हो? सर हमारा यही सवाल है जो अभी नहीं हो रहा है, मैं एक बार फिर पूछना चाहता हूँ, आपने इंटरप्रिटेशन की उससे एक घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा जो भी,
उससे आपने सीन ऑफ क्राइम पूछा होगा कि इवेंट क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, तो वही इवेंट की सिर्फ एक लाइन जो आप कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन करें, उसने कुछ तो बताया होगा सर कि मैं खड़ा था, वो गया, आपने आवाज, उसने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में जो बातें बताई मैंने आपको सब वर्बटिम बताई हैं, अभी उसे पूछताछ जारी है और भी कोई बातचीत निकल के आएगी वो आपको बताएगा।